Hello everyone. In fluid flow operation, unit number 1, we discussed in previous lecture the basic syllabus, basic definition, definition of fluid, definition of what is types of fluid, okay, classification, fluid static and fluid dynamic. Also we discussed about ideal fluid, real fluid, then classification of fluid. Okay, so in today's lecture we're discussing about the classification of fluid. Okay, so classification of fluid are classified based on two category. First category is based upon the behavior of fluid under the action of externally applied pressure and temperature. Okay, the fluid are classified into compressible fluid and incompressible fluid. બે પ્રકારે થાય છે. પહેલી કેટેગરી છે કે એના ઉપર ફ્લુઇડ ઉપર એક્સટર્નલ ફોર્સ જે એપ્લાય કરવામાં આવે છે, લાઈક ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, તો એના આધારે બે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ કમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ ઇનકમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ. સેકન્ડ કેટેગરી એ હે કે બિહેવિયર ઓફ ફ્લુઇડ અંડર ધ એક્શન ઓફ શીયર સ્ટ્રેસ. અંડર ધ એક્શન ઉપર શીયર સ્ટ્રેસ ધ ફ્લુઇડ આર ક્લાસિફાઇડ ઇન ટુ તો ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ એન્ડ નોન ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ કમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ. વોટ ઇઝ કમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ? ધ ડેફિનેશન ઓફ કમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ ઇઝ ઇફ ધ ડેન્સિટી ઓફ ફ્લુઇડ ઇઝ અફેક્ટેડ બાય એપ્રિશિએબલ બાય ચેન્જ ઇન અ ટેમ્પરેચર પ્રેશર ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર ધ ફ્લુઇડ ઇઝ સેડ ટુ બી કમ્પ્રેસિબલ. મતલબ અગર હમ કોઈ ફ્લુઇડ કે ઉપર उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करें या तो फिर घटाएं, इंक्रीज करें या तो फिर कम करें या तो फिर प्रेशर करें, प्रेशर इंक्रीज करें, तो इससे फ्लूड की डेंसिटी चेंज हो जाए तो इसे क्या हम कहेंगे? कंप्रेसिबल फ्लूड कहेंगे. ठीक है, जैसे कि पानी, पानी को अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने से क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, पूरा इवोपोरेट हो जाएगा. और इवोपोरेट हो जाने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूड. जो फ्लूड को हम कंप्रेस नहीं करते उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड. दैट मीन्स जो भी फ्लूड है उसकी डेंसिटी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन. If the density of fluid is affected by appreciable by changes temperature and pressure, the fluid is said to be compressible fluid. Next, incompressible fluid. If the density of fluid is not appreciable affected by moderate change temperature and pressure, the fluid is said to be incompressible fluid. जो भी फ्लूड है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक अ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसकी वजह से फ्लूड की डेंसिटी चेंज नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड. सो दस लिक्विड आर कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड वेयर गैसेस आर कंसिडर्ड टू बी कंप्रेसिबल फ्लूड. मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो भी लिक्विड है, लिक्विड को हम कंसिडर करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, और गैसेस है उसे हम कंसिडर करते हैं कंप्रेसिबल फ्लूड के अंदर. डेफिनेशन ऑफ न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूड्स आर कवर्ड लेटर इन दिस चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड. वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड. फर्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड आर फर्स्ट मास डेंसिटी, और वी कैन से देयर स्पेसिफिक मास और सिंपली डेंसिटी. डेंसिटी तो मास ऑफ द डेंसिटी स्पेसिफिक मास. देन है वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट W, वेपर प्रेशर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके, इन एग्जाम इट विल बी आस्क व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड एंड डिस्क्राइब एनी टू और फाइव इन डिटेल. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड. फर्स्ट डेंसिटी. डेंसिटी रो और मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूड इज द मास ऑफ द फ्लूड पर यूनिट वॉल्यूम इट इन द SI सिस्टम.
सो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम. इट इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ केजी पर मीटर क्यूब. ओके, इसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं? केजी पर मीटर क्यूब. तो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 277 केल्विन 4 डिग्री सेल्सियस इज टेकन एज 100 केजी पर मीटर क्यूब. ओके, एट 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं वाटर की डेंसिटी, तो वो डेंसिटी क्या होगी? 1000 केजी पर मीटर क्यूब. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 100 केजी पर मीटर क्यूब, बट दिस डेंसिटी इज कंसिडर हाइएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, पानी की मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है. वो कितनी है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेट डेंसिटी. वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूड इज द वेट ऑफ द फ्लूड पर यूनिट वॉल्यूम. वेट डेंसिटी किसे कह सकते हैं? वेट ऑफ द फ्लूड पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड वेट डेंसिटी. इन द एसआई सिस्टम इट इज एक्सप्रेस इन न्यूटन पर मीटर क्यूब. वेट डेंसिटी न्यूटन पर मीटर क्यूब कंसिडर करते हैं, नॉट केजी पर मीटर क्यूब. स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ अ प्योर वाटर. प्योर वाटर की वेट डेंसिटी क्या होती है? एट 4 डिग्री सेल्सियस पे दैट इज टेकन एज अ 981210 न्यूटन पर मीटर क्यूब. दिस टर्म्स ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. पानी की वेट डेंसिटी क्या है? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब. द रिलेशनशिप बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी. सो W इज इक्वल टू रो जी. W इज द वेट डेंसिटी एंड रो इज द डेंसिटी. ओके, एंड उसके दोनों के बीच में क्या है? दैट इज जी, ग्रेविटेशनल फोर्स. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी विच इज द वैल्यू ऑफ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. डिफाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम इज दैट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूड इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड पर यूनिट मास. पर यूनिट मास वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम. सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूड इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड पर यूनिट मास, इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम. इन एसआई सिस्टम इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर केजी. स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास. नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूड इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड. ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द फ्लूड ऑफ द डेंसिटी टू द स्टैंडर्ड फ्लूड. डेंसिटी का रेशियो है फ्लूड टू इट्स फ्लूड की डेंसिटी उसके स्टैंडर्ड फ्लूड की डेंसिटी के साथ उसका रेशियो है, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी. ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड. फॉर लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इट कंसिडरेड और चूजन एज स्टैंडर्ड फ्लूड. फॉर गैसेस लिक्विड गैसेस एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 762 इज कंसिडरेड एज अ स्टैंडर्ड फ्लूड. फॉर अ स्टैंडर्ड फ्लूड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने शू करवा चेक करवा तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस 760 टोर ये शू है तमारू स्टैंडर्ड फ्लूड कहवा से. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑफ अ
of which the liquid and its vapor. Absolute pressure at which the liquid and its vapor are in equilibrium at a given temperature, or pressure exerted by the vapor, that means on the surface of liquid at equilibrium condition, it's called the vapor pressure of liquid at a given temperature. Okay, so once again, the vapor pressure of a pure liquid is defined as the absolute pressure at which the liquid and its vapor, liquid અને એની vapor, જે પણ જેમ કે પાણી અને પાણીની vapor બંને કેવા છે, given એટલે કે આપેલા તાપમાને સંતુલન સ્થિતિમાં છે, અથવા તો pressure exerted by the vapor at equilibrium condition, pressure exerted by the vapor at equilibrium condition, it is called vapor pressure on the liquid of the liquid at a given temperature. Pure air, free water exerted vapor pressure is 101.325 kilopascal अथवा तो 764 at 100 degree Celsius. 100 degree Celsius ऊपर pure air नो vapor pressure कितनी होए जाए 101.325 kilopascal अथवा तो 760 torr अटली वेपर प्रेशर होय छे 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर. नेक्स्ट थ्योरी इज नेक्स्ट डेफिनेशन इज सरफेस टेंशन. व्हाट इज सरफेस टेंशन? द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस फिल्म टू एक्सर्ट टेंशन इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन. मतलब कोई भी फ्लूड है उसकी सरफेस पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, ओके, उसके ऊपर तनाव बल हो रहा है, कोई पण लिक्विड नी सपाटी पर उत्पन्न થતો તણાવ બળ, ઓકે, એને શું કહેવાય છે? સરફેસ ટેન્શન. ધ પ્રોપર્ટી ઓફ લિક્વિડ સરફેસ ફિલ્મ, જે ઉપરની સપાટી છે બરાબર લિક્વિડની, તો એને શું કહેવાય? ફિલ્મ. એક્સર્ટ ટેન્શન ઇઝ કોલ્ડ સરફેસ ટેન્શન. એની સપાટી પર જે ઉત્પન્ન થતું જે સ્ટ્રેસ છે બરાબર, એને શું કહેવાય? એટલે તણાવ બળ છે, એને કહેવાય છે surface tension. It is the force required to maintain a unit length of film in equilibrium. It is denoted by the symbol of sigma, Greek sigma, and it is SI unit having the newton per meter. Okay, our next definition is viscosity. What is the viscosity? Viscosity and density. A fluid undergoes continuous deformation when subjected to shear stress. The resistance offered by a fluid to its continuous deformation, it's called viscosity. There is a two definition. A fluid undergoes continuous deformation. Fluid kya hoga? In deformation condition ke andar hoga due to the uske upar shear stress lagne ki wajah se kya hoga wo fluid. In the condition of deformation, it is called viscosity. Athwa to, if the resistance is offered by fluid to its continuous deformation, agar fluid flow kar raha hai to uske flow ke andar koi resistance offer matlab create ho raha hai, so use kya kahenge? It is called continuous deformation. Uski wajah se continuous deformation ho raha hai, so it is called viscosity. The viscosity of a fluid at a given temperature is a measure of its resistance to flow. हम density viscosity किस लिए measure करते हैं? क्योंकि अगर fluid को हमें flow करवाना है, ठीक है, तो उसकी viscosity हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि वही एक main point है, तो उसके ऊपर हमें पता चलता है कि उसकी flow density कितनी है, वो कितनी स्पीड से फ्लो कर पाएगा, ठीक है. द विस्कोसिटी ऑफ गैस और लिक्विड इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर फॉर द रेंज दैट इज नॉर्मली एनकाउंटरेड इन प्रैक्टिस. मतलब विस्कोसिटी नी उम्र ऊपर प्रेशर नी कोई खास असर थती नथी नॉर्मली. हाउएवर इट वेरीज विथ टेम्परेचर. खास मेनली वेरी कोनी साथे थाय छे? टेम्परेचर
સાથે વેરી થાય છે. ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય એમ એની વિસ્કોસિટી અને ડેન્સિટી ચેન્જ થાય. ફોર અ ગેસીસ વિસ્કોસિટી ઇન્ક્રીઝ વિથ ઇન્ક્રીઝ ઇન ટેમ્પરેચર, વાઇલ ફોર લિક્વિડ ઇટ ડિક્રીઝ વિથ એન ઇન્ક્રીઝ ટેમ્પરેચર. ઓકે, સો વાઇલ લિક્વિડ ઇઝ ડિક્રીઝ વિથ ઇન્ક્રીઝ ટેમ્પરેચર, મતલબ ડેન્સિટી ગેસ માટે વિસ્કોસિટી તાપમાન ટેમ્પરેચર વધારવાથી એની ગેસની વિસ્કોસિટી વધે છે. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરવાથી વિસ્કોસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે ગેસની, પરંતુ લિક્વિડ માટે ટેમ્પરેચર વધારવાથી એની વિસ્કોસિટી ઘટે છે. તો આ બે ફંડામેન્ટ તમારે યાદ રાખવાના છે. ગેસીસ માટે જેમ તમે તાપમાન વધારશો ટેમ્પરેચર વધારશો તેમ એની વિસ્કોસિટી વધશે, અને જ્યારે લિક્વિડ માટે જેમ તમે તાપમાન વધારશો ટેમ્પરેચર એમ એની વિસ્કોસિટી શું થશે, ઘટશે.